हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई, सुबह वाले एपिसोड आप लोगों ने देखा था, हम अपने प्यारे प्यारे भाई माइकल के लिए उसकी फेवरेट कार कलेक्शन लेकर गए थे, जो कि एक बंदे ने सिमियन के ऊपर गन पॉइंट करके खरीद लिया था। तो वो भाई वापस से आ चुके हैं। माइकल बहुत खुश है, उसने वो गैरेज में लेकर के जा चुका है सारी गाड़ियों को, वहीं पर उनको रखेगा। पता नहीं भाई अभी वो क्या करने वाला है, अपने शौक की बात है, शायद से चलाएगा या फिर खड़े करने के लिए लेकर के आया गाड़ियों को। वो उसकी मर्जी है भाई, गाड़ी उसकी, चाहे उसको जो करना है वो वही कर सकता है। और फिलहाल भाई अभी मैं जा रहा हूँ कुछ जगहों पर, क्योंकि लेसर ने भाई पेन ड्राइव को चेक कर लिया। आपको याद है कल मैंने एक बंदे को पीटा था, रोनी नाम का बंदा, जो कि पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक को मिला था। वो अपनी गाड़ी में छुप रहा था पेन ड्राइव रखने के लिए, मैंने उसको पीटा और पेन ड्राइव ले ली थी। तो भाई उस पेन ड्राइव को अभी हमने चेक कर लिया है। रोनी आपको याद है, जिसने भाई लेस्टर की फैक्ट्री में भेजा था पुलिस वालों को उसको मारने के लिए, कल वाले एपिसोड में आपको याद ही होगा। तो भाई फटाफट से उस जगह में पहुंचते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव में हमें वो जगह मिली है, तो शायद से वहाँ पे कुछ प्लान चल रहा होगा। जगह को इग्नोर नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि लेस्टर बोल रहा है बेटे, क्योंकि अभी तक फ्रैंकलिन जिंदा है, ड्राइवर उसको हल्के में मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। तो ठीक है भाई, चलते जाकर के जगह को चेक कर लेते हैं। और भाई मैंने आपको नए मिशन के बारे में बताया था, जो कि इस चैनल पे कुछ ही टाइम बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिस दिन भाई वो स्टार्ट होगा, मैं उसी दिन से आपको कम्युनिटी पोस्ट डाल करके बता दूंगा कि आज से वो नए मिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और भाई वो ऐसे करके नहीं आएंगे जैसे फिलहाल अभी ये चल रही है भाई, अभी फिलहाल हमारे एपिसोड जितने हो चुके हैं, ऐसे यहाँ से कंटिन्यू नहीं होगी वो एपिसोड, वो सीधा भाई #1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग नए मिशन होने वाले हैं। इन मिशन से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए भाई #1 से स्टार्टिंग उसकी होगी, आप लोग खुद ही देख के समझ जाओगे। तो फिलहाल जगहों पे चलते हैं। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक शो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर लाइक इन प्रेस करो, सब्सक्राइब कर दो, फाइव तक वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो लाइक का 15,000 जल्दी से पूरा करा दो। अगर तो आपने फर्स्ट चैनल को चेकआउट किया, बाद में जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, चिट्ठी वीडियो डालता हूं, इसका एक्सपर्ट कल सुबह 11 बजे उसी पर आने वाला। तो भाई फटाफट से पहुंचता हूं जगह पर, भाई पहुंच चुका हूं जगह पर। तो फिलहाल भाई ये वाला बेस मैंने पहले भी देख करके रखा हुआ है। तो फिलहाल इस वाले बेस पर भाई क्या करने के लिए आया था वो बंदा, पेन ड्राइव में इस बेस की डिटेल्स क्यों है, चेक तो मेरे को करनी पड़ेगी अंदर जाकर के। ट्रेवर बैठे अंदर जा, लेट मत कर। तो फिलहाल भाई यहाँ पे एंट्री पे कोई बंदा नहीं है, एंट्री पे लास्ट टाइम बहुत बंदे थे, शायद से मैंने पिछली बार बंदों को मार दिया था, तो अब तक शायद से यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया। तो फिर यहाँ की डिटेल्स क्यों है, क्या बताओ? बंदा इस बेस को खरीदना तो नहीं सोच रहा था वो बंदा? भाई मुझे लगता है फ्रैंकलिन का बंदा था, और फ्रैंकलिन के लिए शायद से नया बेस खरीदने की तैयारी चल रही थी, या फिर फ्रैंकलिन ने बोला होगा कि मेरे प्यारे भाई मेरे लिए नया बेस ढूंढ जहाँ पे मैं रह सकता हूँ। तो फिलहाल भाई शायद से उसने फिर नया बेस ढूंढा और इसकी लिस्ट भाई बना के रखी है। तो शायद से जो दूसरी जगह पे मैं जाऊँगा वो भी एक बेस की ही डिटेल्स होने वाली है। फिलहाल भाई पूरा बेस खाली पड़ा है, बट फिर भी भाई मैं चेक जरूर करूँगा, यहाँ पे कोई है नहीं है भाई, सच में ही है, फिलहाल तो पूरा बेस सच में ही खाली है जैसे कि आप देख पा रहे हो। नहीं तो यहाँ पे भाई इतने ज़्यादा बंदे थे लास्ट टाइम पे, मैंने इतने बंदों को मार था, मैंने मार मार के बंदों का नेता बना दिया था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उनको मारने में। फिलहाल ट्रेवर बेटे चल 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 भाई, यहाँ पे थोड़ी मिट्टी अजीब सी है, तो ट्रेवर के पैर नीचे जाए जा रहे हैं, इससे तेज़ी यहाँ पे नहीं भाग पाएगा, अगर बाइक होती तो बहुत मज़ा आता। चलो भाई फिलहाल ऐसे ही चल देंगे। तो फिलहाल एक बार भाई मैं सामने भी जा करके चेक ज़रूर करूँगा, क्या पता सामने काफ़ी चीज़ मेरे को मिल जाए और मैं उसको इग्नोर कर दूँ सोच करके कि भाई जगह खाली पड़ी है, क्या पता स्टार्टिंग खाली हो एंड बंदे हो, ऐसा हो सकता है। ट्रेवर बेटे निकल जल्दी से पीछे की तरफ, भाई पीछे की तरफ भी आ चुके हो भाई, मेरा एंड ठीक ही निकला, यहाँ पर पीछे भी नहीं है, मैंने सोचा था हो सकते हैं, बट फिलहाल भाई पीछे भी कोई नहीं है, पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा हो भाई, एक भी सिंगल बंदा यहाँ पर नहीं है जैसे कि आप देख रहे हो, ऊपर तक पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, सच में बंदा तो इसका मतलब उस दिन से यहाँ पे कोई नहीं आया, ट्रेवर के इतना डर हो गया भाई। मैंने शायद से लास्ट मंथ यहाँ पे आकर के हमला करा था बंदों के, या फिर उससे भी पहले करा होगा, तो फिलहाल बंदे अभी तक यहाँ पर नहीं आए। चलो अच्छी बात है भाई, कोई ऐसा बेस तो मेरे को देखने को मिला कि एक महीने से ऊपर खाली पड़ा हुआ है और किसी ने अब तक यहाँ पे आकर कब्जा नहीं करा, मेरी वेदर वाले भी नहीं आए। अब की बात यहाँ पे ट्रेवर बैठे आराम से उतर, बस बहुत बढ़िया, क्या मस्त ड्राइवर भाई, उल्टे काम मत करो, हड्डी टूट गई ना बुढ़ापे में, जुड़ भी नहीं पाएगी, 55 से ऊपर होने वाला है भाई फिलहाल तो मेरा प्यारा प्यारा ड्राइवर। तो फिलहाल एक काम करता हूँ, लेस्टर को फोन करता हूँ, लेस्टर फूफा मैं आपकी बताई हुई पहली वाली जगह पर आया, बट यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिल पाया जैसे कि आपने सोचा था, ये जगह पूरी पूरी बस भाई ड्राइवर बस लड़खड़ा मत, मतलब ये पूरी जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे एक भी सिंगल बंदा नहीं है। शायद से मुझे लगता है इस बेस को खरीदने की तैयारी चल रही थी, इसलिए पेन ड्राइव में इसकी डिटेल थी, बोल देता हूँ और दूसरी जगह पर निकलता हूँ। भाई मैं दूसरी वाली जगह पर पहुंच चुका हूँ, जो कि भाई इस पेन ड्राइव में मेरे को मिली है, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये जगह भाई सच में ही कमाल बना करके रखी है। तो ये जगह शायद से पहले मैंने देख के रखी है, तो भाई इस जगह को फ्रैंकलिन खरीदना चाहता था क्या, या फिर यहाँ पे कुछ काम के लिए बोल के रखा होगा, चेक करता हूँ अंदर जाकर के। और भाई अच्छी बात ये है बंदे खड़े हुए हैं सामने, तो अभी जाता हूँ। चलो अच्छी बात है, कम से कम बंदे तो मिल गए ना, क्योंकि जो बेस खाली होता है ना वहाँ पे जाकर के टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती, और बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मेरे को लगता है। एक बंदा सिगरेट पी रहा है यहाँ पे, कुछ बंदे तीनों डंडा लेकर खड़े हैं पीछे की तरफ, तो सही है भाई डंडे से सेवा करते हैं इनकी। हेलो चाचा जी कौन हो आप, ये ले बेटे डंडा खा, कैसी लगी आया मजा, अरे बॉय बॉय, अरे लड़ेगा ड्राइवर से लड़ेगा, अरे मारने की कोशिश मत करना। ओ भाई इतना दम आ गया कि ड्राइवर को डंडा मारेगा, ये ले बेटे खा डंडा। अरे चाचा सिगरेट पी रहे थे ना, पियो सिगरेट पियो, अभी जब हम आपको डंडा बजाएंगे ना तो सिगरेट पीने लायक नहीं छोड़ेंगे, ये ले बेटे ऐसी लगी।
निकल गया दम, ड्राइवर को मारने चले थे, मर गए ड्राइवर को मारने वाले, इनको शायद से किसी ने बताया नहीं है। फिलहाल अभी ये ले बेटे, थोड़ा सा तेरे को पता चलेगा, तेरे कमर में दर्द होगा ना जब तू उठेगा, होश में आएगा। तो फिलहाल इन बंदों से इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ भाई, जो बंदा जल्दी से होश में आएगा उससे पूछता हूँ जल्दी से कि भाई जल्दी बताओ यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्योंकि आप लोग इन्फॉर्मेशन मेरे को पेन ड्राइव में मिली है बेस की इन्फॉर्मेशन, और पेन ड्राइव में फालतू इन्फॉर्मेशन कोई सेव करके नहीं रखता। भाई इस चाचे को उठा करके मैंने सारी बातें कर ली है। हमारा प्यारा फ्रैंकलिन इनका बोस है, ये बोल रहा है कि ड्राइवर सर हमें अभी तक ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिली कि आपको मारना है कुछ करना है, हम सिर्फ यहाँ पे अपने बॉस का वेट कर रहे थे ऑर्डर्स का, कब वो हमें ऑर्डर देंगे और फिर हम कुछ एक्शन करेंगे, अभी तक इनको ऑर्डर्स मिला ही नहीं है। भाई ऑर्डर्स कैसे मिलेगा, फ्रैंकलिन मेरे पास है, चांटा मार इसको, चांटा मार इसको, अबे यार घूसा मार रहा है, चांटा मार देता ड्राइवर बेटे यार, तभी कमाल करता है। तो फिलहाल इसमें बड़ा दम आ गया भाई बेहोश होने के बाद, अबे कैसे भी इतना दम कैसे आ गया, अभी तो तुझमें दम था ही नहीं, कोई बात नहीं चाकू खाएगा तो सही हो जाएगा। अरे भाग गया भाई, भाग गया भाग गया भाग गया, भागने नहीं दूंगा। तो फिलहाल भाई इस बंदे ने बस इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ नहीं पता उसको, और क्यों उसे भागने में लग रहा है बेटे, अबे ड्राइवर मारना भाग जाएगा, वो ट्रेन सामने जा रही है, अबे टक्कर लग जाएगी भाई आराम से, अबे भाई देखो तो सही कैसे भाग जा रहा है। वैसे भाई ट्रेन पहली क्रॉस कर गई, अच्छा 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 मारूंगा जरूर बेटे, तूने काफी थका दिया मेरे को, अब तो मैं काफी मारूंगा, देखो भाई कैसे भाई मेरे को देखो डायरेक्शन चेंज करके डाइवर्ट कर रहा है भाई, ड्राइवर तुझसे ना हो पाएगा, रहने दे भाई तूने तो हलवा बना करके रखा है, तू गन से ही मार दे, चाकू से तुझसे नहीं हो पाएगा, ले बेटे निकल ले। बहुत दूर तक भाग रहा था, पहली बार ऐसा हुआ भाई ड्राइवर ने चाकू नहीं मारा भागते हुए, नहीं तो ड्राइवर चाकू मार देता है भागते हुए भी, आज समझ नहीं आया ड्राइवर बेटे ऐसा क्या होगा, तबीयत खराब होकर रखी है, ठीक से चाकू क्यों नहीं मारा तूने, उससे मजा लेते यार चाकू मारने मजा बहुत आता। चलो भाई खैर इसकी अपनी मर्जी की बात है, इसको अच्छा नहीं लगा इसने नहीं मारा, तो फिलहाल अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये सिर्फ ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे और ऑर्डर्स इनको कभी मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि फ्रैंकलिन अभी बाहर नहीं निकलेगा, सीधा मर के ही ऊपर जाएगा, मैं उसको जाने नहीं दूंगा। तो फिलहाल बस यही इन्फॉर्मेशन थी भाई पेन ड्राइव में। भाई मेरे पास अभी माइकल का फोन आया, वो मुझसे बोल रहा है कि वो मुझसे मिलना चाहता है, तो भाई फटाफट से मिलिट्री बेस पहुंचते, बोल रहा है कि ड्राइवर मैं वहीं पर वेट कर रहा हूँ फटाफट से आ जाए, तो ठीक है भाई चलो जल्दी से पहुंचते मिलिट्री बेस मिलने के लिए। पता नहीं हमारा प्यारा भाई क्या बोलने वाला है, भाई पहुंच चुका हमारा प्यारा मिलिट्री बेस, हमारा घर सही है भाई, जब तक हम शरीफ बनते हैं तो मेरे को अपना घर लगता है, नहीं तो भाई आपको पता ही है कि यहाँ पे करते क्या है, फिर मिलिट्री वाले बंदे मेरे को एंट्री भी मारना शुरू कर देते। माइकल पीटा कहाँ है हमारा, ओके भाई फिलहाल माइकल यहाँ पर आ चुका है, बड़ी जल्दी से यूनिफॉर्म पहन करके पहुंच गया लगता है, सारी गाड़ी इसने खड़ी कर दी है। माइकल बेटे स्मोकिंग करने की क्या जरूरत होकर के रखी है, टेंशन हो गई है क्या, फटाफट से सारी बातें मेरे को बता, क्या प्रॉब्लम है, क्यों बुलाया मुझे। भाई माइकल से बातें हो चुकी है, बहुत अच्छी बात इसने पहले को बोली है, ठीक है माइकल टेंशन मतलब मैं अरेंजमेंट करता हूँ। तो भाई फिलहाल अपने फेक बॉडी वाले बंदे को फोन कर देता हूँ कि मेरे प्यारे भाई एक फ्रैंकलिन की फेक बॉडी बना, लेट मत कर बिल्कुल भी, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है फेक बॉडी की, असली वाला हमारी बात नहीं मानेगा, इसलिए भाई फेक बॉडी बनानी पड़ेगी, अभी फोन कर देता हूँ बंदे को। भाई बॉडी वाले को फोन करके बोल दिया है एक दो घंटे के अंदर फ्रैंकलिन की फेक बॉडी तैयार हो जाएगी। मैं बताता हूँ आपको मैंने फेक बॉडी क्यों बनवाई है, माइकल ने मेरे को बोला ड्राइवर तेरे को पता ही है, जब तेरे को उसने बांध के रखा था बिग फुट ने, तो लॉस सैंटोस पे कब्जा करने के लिए फ्रैंकलिन ने सारे काम करे, केजीएफ को बेवकूफ बनाया कि ट्रेवर खरीदना चाहता है मिलिट्री बेस को, और उसने मिलिट्री बेस पे कब्जा करा और मिलिट्री बेस को खरीद लिया, साइन करके रखे उसने पेपर्स पे, और 100 साल तक मिलिट्री बेस फ्रैंकलिन का होने वाला है, मतलब और 100 साल तक फ्रैंकलिन का मिलिट्री बेस ही रहेगा, कोई इसको छीन नहीं सकता। अगर 1% फ्रैंकलिन मर गया तो तब भी ये मिलिट्री बेस किसी हाथ में नहीं जाएगा, उसने पेपर्स ही कुछ हिसाब से बनवाए थे। तो फिलहाल भाई 100 साल तक वो बाल बन के बैठा हुआ है, तो फिर मेरे को बोल रहा है कि अभी हम अगर प्यार से फ्रैंकलिन को बोलेंगे कि तेरे नाम पे वो मिलिट्री बेस को कर दे, वो नहीं करेगा, वो एटीट्यूड में है और वो वैसे भी हमारी आजकल बात ही नहीं मान रहा, तो क्यों ना तो उसकी एक फेक बॉडी बनवा, उसको मिलिट्री बेस में लेकर के आ, और कैमराज में हम उसको खड़ा करके साइन करवा देंगे, और फिर बस तू भी साइन कर देना, ये मिलिट्री बेस में तेरे नाम पे रजिस्टर करवाऊंगा ड्राइवर। तो फिलहाल भाई देख रहे हो माइकल कैसी कैसी बातें सोच रहा है, और बातें मेरे को भाई बिल्कुल दम लग रहा है, और सभी मिलिट्री वाले बंदों को बता दिया माइकल ने कि वो फेक बॉडी होने वाली है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई ताकि गवर्नमेंट के भाई रिकॉर्ड्स पे रहे, कैमराज जब कभी फुटेजेस देखे जाए फोटोज को देखा जाए तो फ्रैंकलिन वहाँ पे साफ साफ दिखेगा कैमराज में कि फ्रैंकलिन ने अपनी खुद की मर्जी से साइन करके ड्राइवर को मिलिट्री बेस बेचा है। तो मतलब भाई ये बिल्कुल ठीक मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई किसी को क्या पता फेक बॉडी है उसकी बॉडी है, आने वाले कुछ सालों में सब भूल जाएंगे। तो माइकल का आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा, फेक बॉडी से साइन करवाओ और मिलिट्री बेस को अपने नाम पर करवा लो। मैं भी मेरे पास फोन आया है कुछ फेम और शेम वाले बंदों का, जो जज है भाई फेम और शेम में, मेरे को फोन करके बुला रहे, बोल रहे ड्राइवर सर काफी जरूरी आपसे बात करनी है, प्लीज पहुंच जाइए। उन्होंने मेरे को लोकेशन शेयर करी है जहाँ पे शूटिंग चल रही है भाई फेम और शेम की, आपको बताइए यहाँ का बहुत पॉपुलर शो है, तो उस पे मेरे को बुलाया है। चलो ठीक है भाई पहुंचते, लेट नहीं करते, आखिर देखते क्या वजह होकर के रखी। भाई पहुंच चुका जहाँ पे मेरे को लोकेशन भेजी है बंदों ने, तो यहाँ पे भाई फेम और शेम की शूटिंग होने में लगी हुई है, तो मेरे को अंदर ही जाना है, ऐसा मेरे को फोन करके बंदों ने बोला था, जजेस ने मेरे को बुलाया, पता नहीं भाई क्यों बुलाया, चलो जा करके देखते हैं। तो भाई यहाँ पे काफी ट्रक खड़े हुए जो कि फेम और शेम के ही है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स है और जजेस भाई खड़े होकर यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं, और कुछ जोकर्स भाई यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। भाई जजेस से मैंने बातें कर ली, जजेस मेरे को बोल रहे ट्रेवर सर हमारी ऑडियंस की बहुत डिमांड आ रही थी कि ट्रेवर को एक दिन के लिए शो पर लेकर के आ जाओ, उनको यहाँ पे स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाओ,
ताकि वो यहाँ पे एक दिन जज बन के बैठ सके। तो फिलहाल भाई इन्होंने मेरे को यहाँ पे जज बनने के लिए बुलाया और मेरे को बोल रहे हैं आज की परफॉर्मेंस में देख करके बताऊं कि इसमें कितना ज्यादा टैलेंट है यहाँ पे। आज प्लीज आप जज बन जाओ हमारे, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। ट्रेवर भाई प्लीज ऐसा मत करो, आपके बहुत ज्यादा फैंस है लॉस सैंटोस में। भाई कमाल हो गया, मैंने कभी नहीं सोचा था यार ट्रेवर इतना बड़ा कमाल का बंदा बन गया कि इसकी डिमांड हो रही है शो पे आने की, जज बनने की। यार चलो ठीक है, काम करते हैं। अभी वैसे भी बॉडी बनने में टाइम लगने वाला है, घंटा तो कम से कम लगेगा। टाइम पास यहाँ वहाँ करने से अच्छा खुद ही कर लेते टाइम पास। भाई काश यहाँ पे डॉगी होता, उसको बैठा लेता मैं टेबल के ऊपर और बैठ के वो भी देखता सभी बंदों की परफॉर्मेंस और उससे पूछता डॉगी बेटे बोल किसकी सबसे अच्छी लगी। डॉगी भोंकता तो मैं समझ जाता कि ये ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। बट फिलहाल यार वो घर पे सो रहा है, आपको मैंने बोला था उसको आज काफी नींद आ रही थी, वो सोया हुआ है वहां पे। चलो उसको सोने तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। भाई हमारा प्यार ट्रेवर फूफा चेयर पर बैठ चुका है बिल्कुल बीच में। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, चलो फटाफट से दिखाओ मेरे को अपनी परफॉर्मेंस। तो फिलहाल भाई हमारे प्यारे जोकर्स फिर से लग चुके हैं, तो देखते हैं भाई जोकर में से कर क्या रहे भाई, ये क्या बंदे कर रहे, तो मेरे को समझना भी पड़ेगा क्योंकि भाई अभी फिलहाल ट्रायर बन के बैठ चुका है जज। और जज आपको पता है बहुत जिम्मेदारी होती है भाई क्योंकि डिसीजन लेना पड़ता है। तो चाचाओ गाना सुना रहे हो, तालियां बजा रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? एक तबला बजाने में लगा हुआ है, गिटार बजा रहा है और एक बंदा तालियां बजा रहा है, ये कौन सा टैलेंट है भाई? चलो फिर भी देखता हूँ भाई इनके टैलेंट को, उसके बाद इनसे ही पूछूंगा कि मेरे को तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे दो जजेस तो बैठ चुके हैं, तो फिलहाल भाई ट्रेवर भी शो पर आने वाला है। फिलहाल ये शो भाई रात को आएगा टीवी पे, तो पूरा रात को सब बंदे देखने वाले हैं। स्पेशल भाई एकदम ट्रेवर आ गया अचानक से, तो फैंस तो खुश हो जाने वाले हैं। तो भाई जोकर्स की तो भाई परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है, वो फिलहाल बेचारे अपना जो उनको दिखाना था दिखा के जा चुके हैं। मेरे को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। अगला बंदा आता है भाई यहाँ पे, ये बंदा यहाँ पे बोलता है हमें कि सर मैं बिना रुके यहाँ पे 5,000 पुशअप्स मार सकता हूँ, ये मेरा टैलेंट है। तो भाई बंदे का टैलेंट तो काफी भयंकर है, तो देखते हैं भाई ये 5,000 पुशअप्स, अरे नहीं यार नहीं मार पाएगा। देखो रुक गया, अबे चाचा तूने बोला था मैं कंटिन्यू मारूंगा, देख अगर अगली बार तू रुका ना तो सीधा आउट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल चलो भाई बंदा रुक चुका है, सांस लेने की बात नहीं, तूने बोला 5,000 मारूंगा, अरे भाई ये फ्रॉड है, मतलब कि झूठा है भाई। देखो बार बार ये गैप लेता है, 5-6 मारता है पुशअप्स तो फिर रुक जाता है सांस लेने के लिए। भाई टैलेंट तेरा ठीक नहीं है, रेगुलर मार तो मार ले, अगर आपकी बार रुका तो सीधा आउट कर दिया जाएगा। फिलहाल भाई हमारी बात सुनी ना, तो एक काम करते इसको आउट करते हैं। इसने बोला था कंटिन्यू 5,000 मारूंगा, ये तो आराम से भाई देखो रेस्ट ले लेके मार रहा है, ऐसे तो कोई भी मार सकता है। तो इसको आउट करते हैं, ठीक है ना, इसको आउट कर देते हैं। मेरे को लगता नहीं है बंदा 5,000 भी कर पाएगा और इतना रेस्ट लेने से कोई फायदा नहीं है। भाई यहाँ पे अभी वो चाचा गया, मतलब पुशअप वाला नमूना गया, तो एक और उससे बड़ा नमूना आ गया। अभी मेरे को पता चला है फेवर शेम पे चलता क्या है, इनकी हिम्मत है भाई इस चेयर पे बैठ के ऐसे नमूनों को झेलना, इनकी तो बहुत बड़ी हिम्मत है मानता हूँ। अभी ये चाचा मेरे को आकर के बोलता है कि ट्रेवर सर मेरा टैलेंट बड़ा भयंकर है, मैं इस सिगरेट को पीऊंगा यहाँ पे सभी के सामने और 5 घंटे तक मैं इस एक सिगरेट को पीऊंगा, मेरा टैलेंट आप देखिए 5 घंटे तक ये सिगरेट खत्म नहीं होने वाली। अरे भाई साहब मतलब ये कोई टैलेंट होता है भाई सिगरेट पीने का, और वो भी 5 घंटे तक सिंगल सिगरेट को पिएगा? वैसे यार है तो बड़ी खतरनाक बात, क्योंकि एक बार सिगरेट जलने के बाद वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है अगर आप उसको पीते रहते हो तो। फिलहाल भाई मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट में एक सिगरेट खत्म हो जाती है, अगर बंदा खत्म करने वाला होता तो वो और भी जल्दी कर देता है। 5 घंटे तक इस सिगरेट को पिएगा, तो एक काम करते हैं भाई इसको साइड में कर देते हैं, 5 घंटे तक हमारे पास टाइम है ही नहीं, इसको साइड में खड़ा कर देंगे। तो 5 घंटे तक सिगरेट पीता रहे भाई, जब तक अगले बंदे को आने देते, तो देखते भाई अगला बंदा यहाँ पे क्या करने वाला है। फिलहाल तो नमूनों की फौज मेरे को लग रही है, उल्टे सीधे बंदे आए थे टीम में फेमस होने के लिए। भाई अगला चाचा आ चुका है जो कि एक जोकर बन के रखा हुआ है बंदा, तो फिलहाल ये बोल रहा है कि ट्रेवर सर मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। तो भाई देखते हैं बंदा कैसा डांस कर रहा है। फिलहाल भाई मेरे को लगता नहीं है इतना अच्छा डांस बंदा कर रहा है, फिलहाल तो पीछे नहीं है ऑडियंस भाई, यहाँ पे तो कैमरा यहाँ पे है, पीछे कहाँ देखे जा रहा है तू भाई, पीछे पोस्टर लगा हुआ है, पीछे देख करके तो बंदा डांस कर रहा है भाई, इतना ज्यादा डर के रखा हुआ देख रहे हो अब, बार बार फिर पीछे देख रहा है, हाथ तो मचा रहा है। अगली बार तूने पीछे देख रहा है तो पीछे ही भेज दिया जाएगा तुझे। यहाँ पे देख, यहाँ पे जजेस बैठे हुए हैं, ऑडियंस तेरे को सामने से कैप्चर करेगी, कैमरा इधर लगे हुए हैं, ये फिर से पीछे घूमा इसको भाई, एक काम करो पीछे ले करके जाओ, हद मचा के रखा हुआ भाई। मैं जिंदगी में कभी इस वाले शो का जज ना बनूं, ऐसे बंदों को मेरे को देखना पड़ेगा तो बिल्कुल बेकार है भाई, ये तो बड़े पागल बंदे होकर के रखे। देखो पीछे देखे जा रहा है, अबे कौन तेरा फूफा बैठा हुआ है पीछे, बार बार उसको हाथ दिखा रहा है, देखो फूफा जी मैं कैमरा पे आ गया, हद है भाई, एक से एक नमूने है बंदे। तो भाई फिलहाल मेरा फोन आ चुका है, बॉडी रेडी हो चुकी है, मैं निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ। मैंने जजेस को बोल दिया कि इन सर दर्द को तुम ही यहाँ पे भाई कंट्रोल करो, मेरे पे नहीं है दम। तो फिलहाल मैं तो निकल चुका हूँ बीच में शो को छोड़ करके, इतना ही मेरा स्पेशल अपीयरेंस ये दिखा देंगे, बात खत्म। ऐसे बंदों कौन देखेगा यार, अभी भी पीछे देख करके डांस किया जा रहा है, ऊपर से वो भी बंदा 5 घंटे तक सिगरेट पीऊंगा, वो पुशअप्स मारूंगा मैं लगातार 5,000, ऐसे ऐसे बंदे आते हैं भाई फेमोरशिप में, मैंने आज देख लिया। तो तभी मैं बोलूँ भाई लॉस सैंटोस में टैलेंट
की इतनी कमी क्यों करके रखी है, ऐसे टैलेंट को टैलेंट मानते हैं बंदे। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं और बॉडी से काम निकलवाते हैं फटाफट से। भाई मिलिट्री बेस जा ही रहा था, अभी मेरे पास सर कुछ पुलिस वाले बंदों को फोन आया, मेरे को पहले पुलिस वाले के पास जाना पड़ेगा क्योंकि भाई कुछ ड्रग डीलर बंदे उन्होंने पकड़े हैं। वो बोल रहे ड्राइवर सर बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रग डीलर बंदे है, आपको आकर इनको मारना ही पड़ेगा क्योंकि बंदों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। बहुत सारे वो बंदे वही पुराने वाले स्कूल पे वहाँ पे वो ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए। ड्राइवर भाई रंगे हाथों, अगर आपने उनको नहीं मारा तो ये उल्टा सीधा जहर शहर में बेचेंगे। तो भाई आपको पता है ड्राइवर ड्रग्स का कितना खिलाफ है, पहले जाकर के बंदों को नेता बनाता हूँ, उसके बाद जाएंगे मिलिट्री बेस में। भाई मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, तो यही जगह मेरे को बोली है फिलहाल हमारे पुलिस वाले बंदों ने। ओके भाई बंदे मेरे को दिखाई दे चुके हैं, ऊपर की तरफ बंदे भाई देख रहे हो कितने सारे बंदे, सभी ने भाई हाथ में बहुत बड़ी बड़ी गन निकाल के रखी हुई है। मेरे प्यारे चाचा हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई, ये ले बेटे बहुत बुरा मारने वाला हो। अबे टकले चाचा अंदर जाने का रास्ता छोड़ा नहीं छोड़ा, हाँ जय भाई अंदर जाने का रास्ते बंद करके रखा। ड्राइवर कूद सकता है क्या? ओके भाई ड्राइवर कूद गया ऊपर की तरफ, अभी करता हूँ इनका इलाज। तो मैं देखते हैं भाई यहाँ पे कितने बंदे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गोली इतनी मिलेगी। ड्रग्स बेचोगे शहर में, ड्रग्स बेचोगे पुलिस वालों के ऊपर अटैक करोगे, इतना धमाका। अरे बिल्ली भागी, बिल्ली को गोली मत मारना कोई भी, बिल्ली को जा रहे थे, बिल्ली जा 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 जा। ओके भाई बिल्ली यहाँ से जा चुकी है, बेचारी बिल्ली डर गई होगी कि ड्राइवर छोड़ दे प्लीज मेरे को, ये ले बेटे बहुत बुरा पिटने वाला है। ओके भाई ये बंदा मैंने खत्म कर दिया, ये लो भाई फिर से बिल्ली भाग रही है बेचारी, बिल्ली जा जा जा। तो फिलहाल भाई अभी कितने बंदे हैं, तो एक काम करता हूँ भाई जितने बंदे मारना सभी को पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ, लेट मत करो, जब आप लोग आते हो ना मजा बहुत आता है, ये ले बेटे। तो फिलहाल भाई ये बंदे खत्म, चढ़ जा ड्राइवर ऊपर की तरफ। बिल्ली अभी भाई परेशान है बेचारी, इतना डर के भाई परेशान हो रही है कि मेरे को तो मार देंगे बंदे आज। फिलहाल कोई टेंशन नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला, हम उसकी सिक्योरिटी करेंगे। फिलहाल बाकी बंदे देख लेता हूँ, बाकी बंदे कहाँ पे छुप करके बैठे। ड्राइवर बेटे कूदी मार यहाँ से आराम से, बस आराम से। तो फिलहाल ड्राइवर भाई नीचे तरफ आ चुका है, तो मेरे को भाई यहाँ से जंप मार करके ना दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। कहाँ पे अटक गया भाई ड्राइवर बेटे, इनके बीच में कूद गया तभी। तो फिलहाल भाई जल्दी से देखो बिल्ली कैसे परेशान है, बिल्ली बेटी कैसे परेशान। अरे भाई गोली बहुत पड़ी भाई, किसने मारी गोली? हेलो भाई कौन है तू? तो फिलहाल चलो एक काम करता हूँ भाई, ढूंढता हूँ इस बंदे को और इसका नेता बनाता हूँ। आजा बाहर आजा, तमे तो बाहर आजा, ये ले बेटे। ओके ये बंदा खत्म, और कौन है भाई बंदा? ओके भाई एक बंदा सामने दिखा, चाचा आप भी निकल लीजिए। और कोई है? एक बंदा पीछे दिखा मेरे को। तो भाई एक काम करता हूँ जल्दी से सभी बंदों को यहाँ से मार करके सीधा मिलिट्री बेस निकलता हूँ। माइकल मेरा वेट कर रहा है भाई वहाँ पे, नकली बॉडी से सारे के सारे काम करवाने हैं क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी है ना भाई उस बंदे की, फिर उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओके भाई ये दोनों चाचा खत्म हो चुके, बंदे बहुत सारे थे भाई यहाँ पे तो। अच्छा पुलिस वाले ने मेरे को फोन करके बुलाया, नहीं तो बहुत सारे पुलिस वाले भाई बिना वजह मारे जाते हैं। ये लो चाचा जल्दी आ जाइए, कुछ चाचा ऊपर खड़े हुए, एक चाचा यहाँ से आया एक यहाँ से आया। भाई फ्रैंकलिन की बॉडी ने काम कर दिया, सामने आपके पेपर्स दिख रहे हैं, इन सभी पेपर्स पे फ्रैंकलिन की बॉडी ने साइन कर दिया। तो भाई आज से ऑफिशियली देखा जाए तो सभी बंदों के सामने साइन हुआ है, तो मिलिट्री बेस हुआ ट्रेवर का। आगे से ट्रेवर यहाँ पे कभी भी आ जा सकता है, मान तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है भाई, बट इसको हम खरीद सकते हैं क्योंकि जनरल की परमिशन थी और ऊपर से ये क्रिमिनल के हाथ में चली गई थी प्रॉपर्टी, तो इसलिए किसी बंदे को भी ज्यादा चीजें अलग नहीं लगी। सोचा कि चलो ट्रेवर तो कम से कम कमिश्नर है शहर का, तो इसके लिए इसके नाम पर हम इस प्रॉपर्टी को कर सकते हैं ताकि ये फिर से गवर्नमेंट के हाथों में चली जाए और ट्रेवर बाद में इसको हमें सौंप देगा। तो फिलहाल इसी उम्मीद में बंदों ने मेरे नाम ये प्रॉपर्टी करवा दी है और सीसीटीवी फुटेज में भाई ये सारी चीज रिकॉर्ड हो चुकी है कि फ्रैंकलिन ने अपनी मर्जी से साइन करा और फिर ट्रेवर ने भी साइन कर दिया। तो भाई ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो आज से हम है बॉस मिलिट्री बेस के, तो आज से सारे बंदे मेरी पूरी सुनेंगे। चाचाओ कैसी रही भाई? आपको पता है ट्रेवर का पैसा बहुत है, खरीदने को तो पूरा लॉस सेंटोस खरीद सकता है, बट भाई क्यों वेस्ट करें सारे पैसे इतने बड़े शहर को खरीद के हम करें क्या? ट्रेवर तो अकेला घर में रहता है और भाई बंदे के लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा लॉस सेंटोस है। हम अकेले मानते अगर हमारी फैमिली कुछ ज्यादा बड़ी होती तो फिर कुछ सोचते भी बाकी चीजों को खरीदने की, बट फिलहाल ट्रेवर के पास आगे पीछे कुछ ज्यादा है ही नहीं, एक डॉगी है और एक निकी है बस, और कोई है ही नहीं बाकी। मेरे पास अभी लेस्टर का फोन आया, लेस्टर मेरे को बोल रहा है ट्रेवर कांग्रेट्स भाई तेरी मिलिट्री बेस आज से हो चुकी है, अभी तो जल्दी सर एक लड़की के पास जब बेचारी काफी परेशान लग रही है, उसने मेरे को फोन करके बोला है कि ट्रेवर सर को भेज दीजिए नहीं तो कुछ बंदे मेरे को जान से मार देंगे, प्लीज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ मेरी हेल्प कीजिए। तो फिलहाल भाई लड़की बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी फोन पे, पता नहीं क्या आखिर उसको होकर रखा हुआ है। तो लेसर बोल रहा है जल्दी से आकर उसकी हेल्प कर इससे पहले कोई आकर उसका मर्डर कर दे और उसको किडनैप करके ले जाए। तो भाई फटाफट से पहुंचता हूँ, इसका मतलब यार अभी भी क्राइम रेट हमारे शहर में कम नहीं हुआ, आज की डेट में भी लड़कियां सेफ नहीं है, तो कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिलहाल पहुंचते हैं और लेट नहीं करते। भाई मैं पहुंच चुका लेसर की बताई जगह, तो फिलहाल लड़की मेरे को यहीं पर मिलने वाली हो कि भाई लड़की यहीं पर खड़ी हुई है और बेचारी अकेली है, कोई टेंशन की बात नहीं, इसका मतलब अभी तक हमला इसके ऊपर हुआ नहीं है। हेलो क्या हाल चाल है? टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जब तक ट्रेवर है ना शहर की किसी भी लड़की को खतरा नहीं हो सकता, मेरी बात सुनिए, देखो मैं आ चुका हूँ। हेलो सुन रही हो क्या? तो फिलहाल भाई लड़की ने फोन तो नीचे तरफ रख दिया है। एक सेकंड ये क्या है? अरे भाई साहब, भाई यार आज की डेट में अबला नारी की हेल्प नहीं करनी चाहिए यार, मैंने सोचा बेचारी प्रॉब्लम में होगी, बदमाश किडनैप करना सोच रहे होंगे, जान से मारना सोच रहे होंगे, इसने तो हमारा ही नेता बना दिया। लिंगन मार के ट्रेवर का भाई दिमाग घूम चुका है फिलहाल,
ड्राइवर तो बड़ा ही परेशान हो गया, अरे लेस्टर भाई कौन सी मुसीबत में फंसवा दिया, तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, सिगरेट पी रही है मजे से यहाँ पे, बोले यही जा रही है, आया मजा ड्राइवर, कैसी लगी मेरी हेल्प करके, आया ना तुम्हें मजा, आएगा मजा आएगा। तो फिलहाल भाई कुछ मजा ज्यादा ही आ रहा है, देखो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, सही बता रहा हूँ मैं, ये भी नहीं देखूंगा लड़की हो, क्योंकि तुमने बहुत गलत किया है साथ में, इतनी अच्छी से हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए थे और तुमने आकर के यहाँ पे कमाल ही कर दिया। तो भाई सच में यार लड़कियों के भी भरोसा नहीं रहा तो लॉस सैंटोस में, पहले मैंने सोचा था लड़के ही बदमाश होते हैं गैंग वाले, बट भाई अभी तो सब एक समान हो गए है, वो कहते हैं ना भाई अभी कोई फर्क नहीं है लड़का लड़की में, सब एक हो गए, अब तो सब बदमाश है भाई लॉस सैंटोस के, आगे से फर्क नहीं किया जाएगा, इसने बहुत बुरा हमारे साथ काम कर दिया। तो देखते हैं भाई ट्रेवर की हालत कितनी देर में ठीक होने वाली है, कुछ तो थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, फिलहाल तो यहाँ पे खड़ी हुई है, लगता है किसी का वेट कर रही है, शायद से वो आएगा तब उसके बाद कुछ एक्शन आगे होने वाला है। फिलहाल मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता, ट्रेवर बेटे हाथ पर हिला रहा है क्या, ट्रेवर का तो दम निकल गया भाई पूरा। तो देखते भाई फिर आखिर क्या क्या होने वाला है ट्रेवर फूफा के साथ में, वेट कर लेते थोड़ा सा। तो बस फिर भाई फिलहाल इस वीडियो में सोचनी आप लोगों को, तो ये वीडियो कैसी लगी, ये लड़की कैसी लगी बताना जरूर। तो भाई आप शेयर पर तुम एक शो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो, फाइव तो वीडियो की लाइक नहीं करा, जल्दी साइड वीडियो की लाइक कर लो, वीडियो की लाइक का एम है 15,000, जल्दी साइड सब पूरा करा दो, और उसका आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं किया उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।